अंकल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अच्छा लग रहा है डेफिनेटली. बटालियन हमारी फिल्म है और इसके हम हिस्से हैं. एक अच्छा रोल किया है इसमें मैंने जस्सी का. तो डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द डायरेक्टर मिस्टर ब्रजेश सर, ब्रजेश भट्टनाथ त्रिपाठी, एंड प्रोड्यूसर मिस्टर एंजल आलवानी. सो इट्स अ मैटर ऑफ रियली प्राउड कि ये हमने आर्मी को एक ट्रिब्यूट दिया है. एंड इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, मेरे किरदार का नाम है जस्सी और ये इंडियन आर्मी की तरफ से है, जस्सी, कैप्टन जस्सी. और ये किरदार जब भी हम, जैसे मैं कह रहा था कि जब भी हम आर्मी की बात करते हैं तो एक इमोशन हमारा फिक्स रहता है कि वतन के लिए जान तक देने को हम तैयार रहते हैं. जस्सी के कैरेक्टर में एक क्वालिटी है, वो वतन के लिए जान देने का चाहता है वो फिल्म में भी. और इसके अलावा इस कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डायरेक्टर ब्रजेश सर कि उन्होंने जस्सी जैसा किरदार मुझे दिया. फिल्म में जस्सी ह्यूमर क्रिएट कर रहा है. फिल्म में जस्सी एक लड़की बिजली को पटा रहा है, उसके फादर की गालियाँ भी खा रहा है, डांट भी खा रहा है. जस्सी एक फिल्मी बफ है जो फिल्में दे देख के बड़ा हुआ है. और जो हमारे वेटरन एक्टर्स हैं, ग्रेट एक्टर्स हैं, शत्रुघ्न साहब हो गए, सनी देओल साहब हो गए, देवानंद साहब हो गए, इनके वो डायलॉग्स बोलता है अपने स्टाइल में. ही इज़ नॉट मिमिकिंग देम, अपने स्टाइल में वो डायलॉग बोलता है. सिचुएशन जितनी मर्जी टेंस्ड हो, वो ही इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल. वो आता है, अपनी बात कहता है और निकल जाता है. आपको वो हंसाएगा, आपको जैसे रुलाएगा भी. फिल्म में हमारे बहुत इमोशनल सीन्स हैं. हंसाएगा, रुलाएगा, फाइट कर रहा है वो, रोमांस कर रहा है वो. तो काफ़ी शेड्स हैं इस कैरेक्टर में. एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू द डायरेक्टर. एंड आई एम वेरी, इट्स माई प्रिविलेज, इट्स माई ऑनर टू डू जस्सी इन द फिल्म. देखिए, मैं जब मेरे पास में मैं सिलेक्ट हुआ इस फिल्म में, करीम हाजी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग कराई थी ब्रजेश सर से. तो मैंने ब्रजेश सर से एक रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मेरा ऑडिशन देखिएगा ज़रूर. सिलेक्ट करें रिजेक्ट करें वो बात की बात है, बट एक बार प्लीज़ मेरा इंटरव्यू, मेरा ऑडिशन देखिएगा ज़रूर. तो उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया कि मैं तेरा ऑडिशन देखूँगा ज़रूर स्पर्श. उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा एंड विद इन टू डेज मेरे को कॉल आया. जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो फिल्म में मुझे जो कैरेक्टर पसंद आया था वो जस्सी का ही कैरेक्टर पसंद आया था. शोएब का इसमें बहुत अच्छा रोल है, मेजर कामराज, ही इज़ लीडिंग अस, उसका बहुत पावरफुल रोल है. जस्सी की जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, लाइंस वगैरह में, डायलॉग्स, जब मैं उस कैरेक्टर में घुस रहा था, इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर एन एक्टर लाइक मी, जो बिलीव करता है मैथड एक्टिंग में, उसको कैरेक्टर के अंदर तक जाना, उसमें घुसना. तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बट येस, इट वॉज ग्रेट. देखिए, लगान यहाँ है. लगान इज़ अ लीग, ऑस्कर के लिए गई थी, वो आशुतोष गोवारकर साहब की बहुत अच्छी फिल्म थी. लगान के साथ में कंपटीशन, भाई प्लीज़, लगान इज़ अ कल्ट फिल्म. हमारी फिल्म भी अपने हिसाब से कल्ट है. लगान से एंटायरली डिफरेंट फिल्म है. लगान और इसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है क्रिकेट मैच. बट दे आर, वो क्रिकेट मैच उनका ब्रिट्स के साथ में होता है, हमारा आर्मी के साथ में होता है. प्राउड, आई फील प्राउड. मेरी माँ हमेशा चाहती थी मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ और वो मैं बना नहीं बन पाया. बट जब मैंने वो आर्मी की ड्रेस पहनी, सबसे पहली फोटोग्राफ जो मैंने खींची थी वो अपनी माँ को भेजी थी. एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज और उसने बोला कि चलो ठीक है, रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में तुमने यूनिफॉर्म पहनी है. वो यूनिफॉर्म पहनना, वो उसके लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और यूनिफॉर्म, बीइंग एन एक्टर, अगर मैंने वो यूनिफॉर्म भी पहने, उसका थोड़ा सा भी इल्म मैंने लिया है, तो वो मेरे लिए एक बड़े फख्र की बात है. जी नॉट एग्जैक्टली, नॉट नर्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि उड़ी एक अलग फिल्म है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक अलग फिल्म है और बटालियन 609 एक अलग फिल्म है. तो कॉम्पिटिशन तो मैं मानता नहीं, वो अनुपम साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ फिल्म रिलीज़ हो रही है हमारी, ये अपने आप में एज एन एक्टर मेरे लिए फ़ख्र की बात है, हम सभी के लिए कि अनुपम साहब की फिल्म भी उसी दिन रिलीज़ हो रही है. तो नर्वस तो हम डेफिनेटली नहीं है. हमारी फिल्म की लीग अलग है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की लीग अलग है, उड़ी की लीग अलग है. तो डेफिनेटली वी आर नॉट नर्वस. इस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है, आपको किरदार
देखिए इसमें उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को लेके बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे, और मेरा जो कैरेक्टर है जनरली जस्सी, जैसे कि मैंने बताया बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर, उसमें सॉफ्ट कैरेक्टर भी है वो, तो मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम लुकिंग पॉजिटिव ऑन स्क्रीन, एल्स मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं मोस्टली नेगेटिव किए हैं, मोस्टली चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, और सॉफ्ट लुक वाला जो कैरेक्टर है जस्सी ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को और मुझे भी। जी मैंने भी 3 फिल्में साइन की हैं एसएस राजामौली के एसोसिएट के साथ में, मिस्टर एसएस राजामौली के एसोसिएट के साथ में, उनका नाम है वीर नारायण। हमारी एक फिल्म जा रही है फ्लोर पे फरवरी में, उसका नाम है भयम बियॉन्ड फियर। उसके बाद में एक फिल्म है कासगंज, वो फिल्म मैंने लिखी है और उसमें एक प्रोटैगनिस्ट का रोल भी कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद में तीसरी फिल्म ये कासगंज हम लोग प्लान कर रहे हैं जून जुलाई में। उसके बाद में जो अगली फिल्म है मेरी वो अनटाइटल फिल्म है, वो भी वीर के साथ में। तो अभी इस साल तो मैं 3 फिल्में ही कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, अभी मैंने और कुछ साइन नहीं किया है। सॉरी जी, देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बचपन से मेरी माँ ने मुझे न्यू ईयर रिजोल्यूशन देने को कहती रही है मेरी मॉम कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना है, और साल की शुरुआत जब बेहतर होती है तो ऐसे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। इस तरह से साल की शुरुआत में ही हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है बटालियन 609, सो आई एम वेरी होपफुल, वी ऑल आर वेरी होपफुल कि ये पूरा साल अच्छा जाएगा। चलते चलते मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन साल की स्टार्टिंग में 31 दिसंबर को वी हैव लॉस्ट कादर खान साहब। इट वॉज अ वेरी 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 ट्रेजिक लॉस टू ऑल ऑफ अस, टू द फिल्म फ्रेटर्निटी, एंड देन मिस्टर रमाकांत आचरेकर, ग्रेट लेजेंड। सो वी हैव लॉस्ट दीज टू पीपल एट अ वेरी अर्ली starting of the year, so this is the thing, but personally it's a great moment for all of us. मैं अपने सभी फैंस को, फ्रेंड्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, थिएटर वालों को, आम जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए सिनेमा हॉल में, आइए, आप निराश नहीं होंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको प्राउड फील होगा हम सब पे, और आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से टू एवरी इंडियन सिटीजन, प्लीज कम एंड सी कि हम लोगों ने क्या बनाया है, एंड वी विल नॉट लेट यू डाउन। सोहेब इब्राहिम, आपके शोएब, देखिए शोएब एक बहुत अच्छा लड़का है, वो अच्छा एक्टर है वो, और बड़ा खूबसूरत इंसान है वो, और हम लोग साथ ही में थे होटल में 45 दिन बीकानेर में, हम लोग साथ में थे तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमारी हुई है। काफ़ी मेहनती लड़का है वो, अपने ऊपर काम करता है वो, और He has a bright future and I wish him luck. अच्छा, उनकी पत्नी अभी दीपिका बिग बॉस भी जीत चुकी हैं। जी, तो आप गए थे सेलिब्रेशन में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं फोन किया था, तो बातें हुई थी। जी मैं आपको बताता हूँ, सॉरी ओवरलैप हुआ थोड़ा सा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जब ये बिग बॉस का सेलिब्रेशन चल रहा था तो मैं अपनी जो मेरी भयम फिल्म है उसकी हमारी वर्कशॉप चल रही हैं, और बड़ी इंटेंस वर्कशॉप चल रही हैं उसकी, मैं उसमें काफ़ी टाइड अप था, क्यों वो जो ये जो कैरेक्टर मैं भयम में भी कर रहा हूँ ये एक बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है, एंटायरली जस्सी से एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर है ये, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को टाइम लगता है उस कैरेक्टर में जाने में, थोड़ा बीइंग अ मेथड एक्टर आई टेक टाइम टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन हाँ मैंने शोएब को डेफिनेटली मैसेज किया था और मैंने कहा था कि प्लीज़ कन्वे माई ग्रीटिंग्स टू दीपिका एज़ वेल, शी इज़ अ ग्रेट 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 गर्ल एंड बोथ ऑफ देम लुक ग्रेट टुगेदर, एंड आई विश दीपिका अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड। It's a long year, it's a beautiful year, and you are right on the top. Please maintain it, and sky's the limit. All the best.